हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में लगा है, कोड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर. हमारे पास एक सर्कल है जिसकी डायमीटर हमें कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर. लेट्स से डायमीटर है ए बी. अब एक कोड है जिसकी लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर. इस पूरी कोड की लेंथ है 40 सेंटीमीटर. आगे क्वेश्चन में बोला गया, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अनदर पैरेलल कोड. इसके पैरेलल में एक और कोड है, लेट्स से टी आर कोड है. इसके पैरेलल में रखनी है हमें ये. टी आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर. तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अनदर पैरेलल कोड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इन द सेम सर्कल फॉर्म ऑफ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड. बोला गया है क्वेश्चन में, जो पी क्यू 40 सेंटीमीटर वाली कोड है और जो टी आर 30 सेंटीमीटर वाली कोड है, इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितने का है, ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है. तो सबसे पहले हम सेंटर से पी क्यू कोड पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. अब सेंटर से जब भी कोड पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो जो लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है. अब डायमीटर हमें टोटल 50 दे रखी थी, तो ओ और बी क्या है, रेडियस, और ओ ए क्या है, वो भी रेडियस है. तो कितना आ जाएगा रेडियस, 25 25. ये परपेंडिकुलर लाइन कोड को बाइसेक कर देती है. तो पी क्यू है कितनी, 40 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20. यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20. अब O से Q को ज्वाइन करेंगे हम, तो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ये. लेट से इसको नाम दे देते हैं. सो इन ट्रायंगल ओ वाई क्यू. अब ओ वाई एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनियस. हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू का स्क्वायर. ओ क्यू कितना दे रखा है हमें, 25. ओ वाई हमें नहीं दे रखा है, और वाई क्यू कितना है हमारा, 20. 25 का स्क्वायर इज 625, 20 का स्क्वायर 400. इधर आएगा तो माइनस का 400 इज इक्वल्स टू ओ वाई स्क्वायर. 625 माइनस 400 इज 522. यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा ओ वाई. 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का. तो ओ वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 15. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे ओ से आर को. इस पॉइंट को नाम दे देते हैं जेड. सो इन ट्रायंगल, अब देखो ये सेंटर से ये वाला एंगल, अब इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, सेंटर से कोड पर जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है. ये एक थ्योरम है. अब जो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है ये कोड को बाइसेक कर देती है. अब टी आर है कितने, 30. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15. यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 15. आई एम अगेन टेलिंग यू, ओ सेंटर से कोड पर खींची गई लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और इस परपेंडिकुलर लाइन का क्या काम होता है, वो बाइसेक कर देती है कोड को. अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ आर ओ जेड आर. अब एक परपेंडिकुलर है तो इसके सामने वाली हाइपोटेनियस होगी. इट मीन्स ओ आर का स्क्वायर इक्वल ओ जेड का स्क्वायर प्लस जेड आर का स्क्वायर. अब ओ आर क्या है,
सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी क्या होती है, एक रेडियस ही होती है, तो ओ आर भी हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस, ओ आर इज रेडियस, और रेडियस कितनी है हमारी 25, तो ओ आर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 25, तो हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। अब जेड आर हमें कितना दे रखा है 15, तो ओ जेड हमें निकालना है, 25 का स्क्वायर 65, 625, 15 का 225 इज इक्वल्स टू ओ जेड का स्क्वायर, तो 625 माइनस 225 इज 400, तो 400 इज इक्वल्स टू ओ जेड इज 20, ओ जेड की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब ध्यान से देखेंगे, ओ जेड किस किस से मिलके बन रहा है, वाई ओ प्लस वाई जेड से, ओ जेड की वैल्यू कितनी आ गई है 20, ओ वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 15। अब हमें मैंने ये हमें पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस ही कैलकुलेट करनी थी, मतलब हमें वाई जेड ही कैलकुलेट करना था, 20 माइनस 15 इज 5, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर।